हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मोमिन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। अनीता, तेरे जीजा जी ने देख क्या किया? क्या? सेटिंग हो गई है थोड़ा। अब थोड़ा सा मैं योगा करूँगी। सुबह ग्रीन टी वगैरह लेके मैं चली गई थी, पौधों को पानी दे के गई थी। अनीता बना रही है तो, और ये चाय पियेंगे दोनों जने। मैं थोड़ा योगा करूँगा, पहले योगा करूँगी। चलो शुरू करते हैं, फिर बैठ जाते हैं कहीं पे। कोना पकड़ लेते हैं, एक ये कोना पकड़ लेती हूँ। तू भी कर मेरे साथ योगा? नहीं, योगा नहीं, यहाँ पे स्टैंड लगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है अलविदा लेने का जो है इनसे जो है अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। आज मुझे अचानक ही पता चला मुझे गांव जाना पड़ेगा करके। सडनली जो है दिन में 2 बजे मेरा प्लान बना जाने का, और अचानक ही सब कुछ हो गया। हम अभी भी सदमे में हैं क्योंकि जा रही है तो क्योंकि जाना जो था वो था 13 के बाद। और लेकिन जो है अब जो गाड़ी वाले भैया हैं, क्योंकि मेरा जो है शादी शॉपिंग सारा सामान सुकून ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो है बैग भी ज़्यादा हो गए ना। तो जो नॉर्मली जो बस होती है उसमें तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो है हमें मैंने गाड़ी बुक कर रखी थी। तो गाड़ी वाले भैया बोल रहे हैं कि आज ही मैं जाऊँगा, उसके बाद जो है फिर 2-4 दिन तक जो है मैं जाऊँगा नहीं। इसलिए तो फिर अचानक ही प्लान बना कि हाँ चलो ठीक है, गाड़ी जा रही है तो चले जाते हैं। और जो है मेरा मन तो अभी बिल्कुल जाने का नहीं कर रहा। अभी भी मैं सोची थी लास्ट मोमेंट में उनको ना बोल दूँ करके, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना है गांव में, घर में कितने सारे काम हैं इसलिए जाना पड़ेगा। और जो है दुख के साथ इन अलविदा लेना पड़ेगा। और माइका को लग रहा है खुश हो रही। मैंने इसको बोला कि मेरे बर्थडे तक रुक जा, और माइका को लग रहा है रुके नहीं। और देखो इन्होंने आज दुख के मारे मेरी ऐसे नेल पेंट भी लगा दी। और माइका सोच रही कि हम लोग अभी जो है तैयार यार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं, उसे अब पता नहीं है कि मौसी गांव जा रही है। इसलिए वो सोच बोझी बोले मौसी आपने इतनी लेट क्यों नहाया? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहाया, और जो आज सुबह से पानी भी नहीं आ रहा था नल पे, तो मैंने जो है अभी हेयर वॉश किया, उसके बाद अभी नहाया। और माइका सोची कि हम कहीं जा रहे हैं, तो बोले मौसी आप मेकअप क्यों कर रही हो, आप लिपस्टिक क्यों लगा रही हो, आप बाल क्यों धो रहे हो, हम कहीं जाएंगे क्या, ऐसे करके उसे पता नहीं है मौसी जा रही है। और आज सारी प्रॉब्लम आज ही हुई है, पानी की भी प्रॉब्लम होगी, पानी ही नहीं आया। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी टैंक वगैरह में, कुछ क्लीनिंग वगैरह के लिए उन्होंने जो है टेक्निकल इशू के की वजह से ना पानी रोक रखा था। और हम सुबह से ना बड़े परेशान थे। मैंने 2 बाल्टी पानी बगल से बोरो किया और फिर मैं नहाई हूँ, और इसलिए तो अभी शाम को जब पानी अभी इतनी कंप्लेन करके फिर आया तब जाके इसमें नहाया है। पानी सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आ गई है। और अच्छा पानी आ गया ना नहा धो के, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना सुबह से हमने नहाया नहीं था आज। और हम सुबह थोड़ा शॉपिंग के लिए भी गए, तो वो भी हम ऐसे बिगर नहाए मुँह हाथ धोए ऐसे चले गए थे। और जियाजी का आज फास्ट है, वो जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि निकलने से पहले जो है मैं पूजा पाठ कर लूँ पूरी। जीजा जी रानी क्यों इतना खुश है आज? मैं शादी वादी करके लड्डू उठ रखे उनके। इसको मैंने बोला था कि बर्थडे तक रुक जा, और इसके बाद भागने की बहुत हो रही है। भागने की तो खैर क्या ही हो रही है जिया जी, लेकिन जो है जाना तो है, आज भी जाना ही है, कल भी जाना ही है, परसों भी जाना ही है। 2 महीने भी हो ही गए हैं यहाँ रहते रहते, मुझे 2 महीने हो गए। तो जो है मैंने सोचा 2 महीने के मैंने इनका खा लिया पी लिया, अब जो है मैं निकल लूँ, वरना इनके बोलने से पहले तो कब जा रही है, इससे पहले मैं निकल लूँ। और जो है मेरे लिए जो है आलू की सब्ज़ी बनाई है रास्ते के लिए, आलू बॉईल करके जो है दही है। और जिया जी का फास्ट है तो लौकी बन रही है, लौकी की सब्ज़ी बन रही है, सूप वाली ज़्यादा लौकी दाल, लौकी और चने की दाल। और दीदी मेरा सामान जो है मेरे लिए जो है रास्ते के लिए पैक कर रही है। इसलिए दही रख दिया, इस बर्तन में मेरे लिए दही रखा है, बाकी दूसरे टिफिन में जो है मेरे लिए सब्ज़ी पैक करेंगी। सही तरह से और जो है मेरा रोटी भी इसमें बन के रखी हुई रख दी है, ये पैक करनी है अभी, इनको पैक करेंगे। और अब जो है हम दोनों आपको साथ में मिलेंगे दिसंबर में, जिस टाइम पे मेरी शादी में भी आएगी उस टाइम पे, उन ब्लॉग में जो है हम साथ में आप लोगों को दिखेंगे, और आप लोगों को हमारी बॉन्डिंग, हमारी मस्ती और हमारे साथ में जो टाइम स्पेंड करते थे वो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि जो है जब मैं यहाँ थी तो हम लोग जो है ब्लॉगिंग कर लेते थे, क्योंकि दोनों में से एक जने को होता था कि हाँ ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग शूट करना है, ब्लॉग शूट कर लेते हैं। मैं ज़्यादा बोलती थी ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि दीदी इतना बिजी रहती है अपनी लाइफ में, मतलब घर की जो डेली लाइफ होते हैं, माहिका के साथ स्कूल जाना, उसको पढ़ाना, फिर घर के सारे काम, तो उनको इतना
रहता नहीं था कि ब्लॉग बनाना है करके, तो मैं उन्हें याद दिलाती थी इसका ब्लॉग बनाना चाहिए, ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग बनाओ, ऐसे करके मैं बोलती थी। लेकिन अभी भी जो है मैं उन्हें वहाँ से मोटिवेट करूँगी कि आप अपना ब्लॉग कंटिन्यू करो, वीडियोज़ बनाओ अच्छी अच्छी और ये सब चीज़ें। और जो है हम लोगों की जो है अब तुमको जोड़ी जो है दिसंबर में जब वो मेरी शादी में गाँव आएंगे तब मिलेगी, और उसके बाद जो है फिर तो जब मैं दिल्ली आऊँगी तो फिर हम लोग मिलते रहेंगे, तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको इनके ब्लॉग में दिखूँगी। और मैं आप सभी से जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मुझे जो है ना जब मैं दिल्ली आती हूँ तो स्पेशली ना मुझे अपनी दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम दोनों ना एक जैसे ही हैं, हम दोनों को ना दिन भर हंस मतलब मस्ती और ऐसी फ़नी बातें करते हैं, मतलब ऐसा हम लोग का साथ में टाइम स्पेंड बहुत अच्छा होता है, बोर नहीं होता, हम पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो है दिन कहाँ निकल गया करके ना। इसीलिए मैं ज़्यादा पहले इधर ही रही, जब तक मैं दिल्ली से आई थी तो मैं यहीं रही ज़्यादा, फिर एक दो चक्कर मुझे जो है अपनी बुआ के वहाँ पर जाना पड़ा, तो वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर भी मुझे कुछ ज़रूरी काम थे कुछ था, इसलिए वहाँ पर मैं फिर वहाँ से वापस राखी के बाद यहाँ आई, तो फिर यहाँ इतने दिन टाइम स्पेंड किया, जन्माष्टमी के टाइम पे आ गई थी मैं, तो दो चार दिन जो है मैंने यहाँ पे भी रही फिर, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है मतलब मन नहीं करा जाने का अभी गाँव, ऐसा लग रहा है दो चार दिन और रुक जाते तो ठीक था, इनका बर्थडे भी है तो इनके बर्थडे तक रुक जाती पर, लेकिन मैं मेरे बस पास तो ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं ना कि मैं अपने हिसाब से गाँव जाऊँ, क्योंकि जो है मैं डिपेंड हूँ गाड़ी वाले पे, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसने आज बोला है तो आज ही जाना पड़ेगा, उसका फ़ोन भी जो है दिन में आज 2 बजे आया कि आज गाड़ी जा रही है गाँव और आप जो है तैयार हो जाना, इसलिए जो है दिन में ही मैंने पैकिंग की, पैकिंग भी नहीं की थी, ऐसा लग रहा है कि पैकिंग में कुछ छूट तो नहीं गया, बार बार मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी पैकिंग में कुछ छूट तो नहीं गया, लेकिन अगर कुछ छूट भी गया होगा तो फिर दीदी का ही घर है वापस यहीं आना है तो ले लूँगी, और जो है यही सब मन तो मेरा करने का जाने का, लेकिन जाना है, और जो है दो चार दिन होता है ना यहाँ का ट्रिप, यहाँ जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो मैं मिस करूँगी, और कितनी सारी चीज़ें होती ना मुझे याद आएगी इस टाइम पे हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे करके, यार गांव में जाके भी मेरा जो है शेड्यूल बिजी हो जाएगा, क्योंकि जो है शादी की तैयारियाँ मैंने करनी है घर में, इसीलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा जल्दी, वरना आराम से आती अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो। जो भी है, जाना तो पड़ेगा चाहे मन करे या ना करे, इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत मज़ा आता था दीदी के साथ रह के, माहिका के साथ, माहिका और मैं जो थोड़ा लड़ते थे, थोड़ा सा जो है थोड़ा लड़ते थे, थोड़ा झगड़ते थे थोड़ा सा, फिर वो मौसी मौसी बोलती थी, मैं माहिका माहिका बोलती थी, और साथ में हम लोगों का जो है अच्छा टाइम पास होता था, बच्चों के साथ भी मज़ा आता है ना, तो जो है टीवी देखना, कार्टून देखना, ये सब चीज़ें जो हम करते थे साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे याद रहेगा मुझे, गांव जाके याद आएगा दो चार दिन, तो यही यादें होती है ना कि वहाँ थी तो ऐसा करती थी वैसा करती थी गांव का ऐसा ना, तो फिर जो है थोड़ा बुरा लगेगा, हाँ लगा दो हल्का हल्का, रोटी टाइप वो नहीं होंगी ना सूखेंगे ना, लगा दो थोड़ा सा घी मेरी रोटी हो पे खाना पैक हो रहा है एक्चुअली, तो पूछ रहे हैं कि घी लगाना है नहीं लगाना करके, मैंने कहा लगा दो थोड़ा सा, जो है रोटियाँ जो होती ना सूखती नहीं है इसलिए, तो अब मेरा भी जो है टाइम है 7:30 का टाइम दिया है उसने, मैं भी अब जो है अपना बैग वैग बाहर निकालती हूँ कमरे से, तो जो है अभी जाने का टाइम हो गया है, तो मैं अपना बैग वैग निकाल के फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, चलो तो ये इतने सारे अनिता की सारी पैकिंग है तुम, चलो मैं ताला ला के आ रही हूँ, तो उसको नीचे कैब आ गई है इसकी, मेरा वाला बैग बाहर निकाल देना तो सो दैट मैं उसको उठा के ले जाऊँ, ये मैं उठा के ले जाऊँगी, तो फ्रेंड्स माय अनीता जाइस रोना आ रहा है इसको बहुत ज़्यादा, ये रो रही है, चलो भाई कैब वाला आ गया, माइका भी मौसी के लिए ना हेल्प कर रही है और उनका बैग लेके जा रही है माई, और अनीता आने वाली है थोड़े दिनों, यहीं आ जाएगी थोड़े दिनों में, एक आध महीने की बात है, इस वाली को बुलाया तुम लोगों ने, ये भी ऊपर जा रही है, ये रुकी पड़ी है, ये भी ऊपर जा रही है, वैसे जिस जो ना सर्विस लिफ्ट में इसका सामान जा रहा चाहिए, इतना गदर लेके जा रही है ये, इसका सामान सर्विस लिफ्ट में ही जाना चाहिए, तो चलिए
अनीता को अलविदा करते हैं। अब गांव में रुको रुको बेटा, ये कैसी जाजी दरगाह में, ये कैसी घर आई है, मिलन ये तेरी तेरी विदाई वाले दिन हम ये गाना गाएंगे शादी वाले दिन। इसको पता ना इसकी विदाई एक्चुअली हो नहीं रही है, इसका मायका भी यही, इसका ससुराल भी सब यही है, तो इसकी विदाई नहीं हो रही इतनी कुछ खास, इसलिए इतनी हंस रही है। हाँ मैं बोल रहा था इन दोनों बहनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है रियली। आ गई, चलो चलो भाई उठाओ 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 उठाओ, उसको रोक के रख, उसको रोक के रख जरा, माफ कर। अरे अरे खोलो 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 खोलो, अरे नीचे का खुल जा, खुल जा, इधर आ जाओ कोने में। आ गया भाई साहब, ये तो लिफ्ट वैसे ही हिल गई, नहीं था हिल गई। बात करोगी वहीं पे, क्योंकि सामान ज्यादा ऐसे नहीं, इधर रोड क्रॉस कर भी सकती है वो, दूसरी कॉल पे व्यस्त है भाई, दूसरी कॉल पे व्यस्त है, मुझे उसे कॉल बैक करती हूँ दोबारा। यही है अनीता, ये वाला नंबर है क्या मंडराल वाला? हो गया भैया, तो वहाँ जहाँ आप उतारेंगे ना, हम जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे सामान वगैरह थोड़ा सा अच्छे से उतार के साइड में कर लीजिएगा, वहाँ से दूसरा पिकअप है इनका। चल भाई, हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो, खुटी ये करो मौसी को, शादी में आएंगे बोलो, मौसी की शादी में जाएंगे। चलो भाई बाय। 8 क्या नाम था, 84 और उसको मंडराल को ना फोन। चलो बाय माय बाय, फोन ऑन रखियो ठीक है ना, चल बाय। सो फ्रेंड्स, अनीता चली गई है अब, और अब हम वापस से तीन जने घर पे, नंदन मैं और मानिका। मैं जा रही हूँ पढ़ने, पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, अब से कंप्यूटर एग्जाम है नेक्स्ट। माई चलो तुम जाओ, मैंने खोल भी दिया। हाँ मैं आ रही हूँ, चलो। तो ऐसा है, इतने दिनों साथ रहती थी ना तो अच्छा लग रहा था। एक तो क्या होता है कि ना आप साथ साथ रहते तो बहुत मज़ा आने लगता है लाइफ में कोई इस तरह से हम उम्र साथ रहता है तो मज़ा आता है, पर लेकिन वैसे तो कोई साथ रहता है तो मज़ा ही आता है, पर जैसे किसी का अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा हो तो बात अलग है। तो अब वो चली गई है तो थोड़ा सा हमें भी खाली खाली लगेगा कुछ दिन, एक आध दिन तक। और उसके हालांकि उसका प्लान बाद मेरे बर्थडे के बाद जाने का था, फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उसको जाना पड़ा। तो ऐसा है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, और ना बाय बाय, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।